हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज में इस वीडियो में इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने वाले। पहला क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, साइन x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस टाइम कॉस ऑफ x। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस टाइम कॉस ऑफ 2x। 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आपकी यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आपकी जाएगी डिनोमिनेटर पर। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी वो आपकी न्यूमेरेटर में जाती थी, दैट मींस आपका मल्टीप्लिकेशन होता था। और इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो आपका जाएगा डिनोमिनेटर पे। तो आपका बन जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x dx। ठीक है, तो कॉस x का आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन ऑफ x। तो ये आएगा आपका साइन 3x। 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आपका जाएगा डिनोमिनेटर पे, तो आएगा आपका साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, थर्ड देखो, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, ये है आपके पास। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर x ही, तो ये आएगा आपका e की पावर 2x। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 आपकी क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट टर्म जाएगी आपकी डिनोमिनेटर पे, तो आएगा आपका e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। फोर्थ देखो, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। जो आपका x है यहाँ पर वो है आपका यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, n आपका है 2, तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस सी। और ए एक्स आपका क्या होगा, यहाँ पर ए का जो इंटीग्रेशन करेंगे हम ए एक्स का, तो ए आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो ये जाएगी आपकी डिनोमिनेटर पे। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के साथ है आपका एक्स के साथ, तो ए आपका एक कांस्टेंट टर्म होगा तो जाएगा डिनोमिनेटर पे। बी तो आपका यहाँ पर अकेला है, ए आपका यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पे, तो ए आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जाएगा। ठीक है, फिफ्थ देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस टाइम 4 ई की पावर 3x dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस टाइम कॉस एक्स, तो ये आएगा आपका माइनस टाइम कॉस 2x। 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 आपकी कांस्टेंट टर्म है, जाएगी आपकी डिनोमिनेटर पे, तो ये आपका बनेगा माइनस टाइम ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर x, तो ये बनेगा 4 ई की पावर 3x। 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो 3 ए कांस्टेंट टर्म है, जाएगी आपकी डिनोमिनेटर पे, और ये बनेगा आपका प्लस सी। ठीक है, सिक्स्थ देखो क्या आपके पास, इंटीग्रेशन 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, तो e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x, 4 आपका ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो 3 आपका कांस्टेंट है, जाएगा डिनोमिनेटर पे, प्लस 1 इंटू dx, तो 1 का आपका एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है आपका x। ठीक है, प्लस c, किसी भी कांस्टेंट का आपका इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेवन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्या बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। माइनस 1 इंटू dx, तो कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स प्लस सी। ठीक है, एट्थ देखो, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ए बी सी आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो बी आपका कॉन्स्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सी आपका एक कांस्टेंट है, तो डी एक्स का खाली इंटीग्रेशन होगा तो आपका आएगा एक्स। ठीक है, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका आएगा एक्स, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। नाइन्थ देखो क्या है आपका, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा 2x क्यूब अपॉन 3, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स, और साथ में आएगा आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। टेंथ देखो क्या है आपका, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या आएगा आपका, इंटीग्रेशन एक्स
प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टाइम टू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल होगा। फिर देखो क्या आएगा आपका एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू बाय द फॉर्मूला एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या होता है आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। वन अपॉन एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। फिर आएगा माइनस टाइम टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, क्या आएगा कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक है। क्या बना आपका यहाँ पर माइनस टाइम टू इंटू वन डी एक्स, तो वन आपका एक कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है आपका इलेवन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन ये आपका एक्स क्यूब है ऊपर, ठीक है। नीचे आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टाइम फोर अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इसको हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका खाली एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, साथ में मल्टीप्लाई भी करा रहे हैं। साथ में आएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइव इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा खाली। नेक्स्ट आपका माइनस टाइम फोर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ठीक है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर था, न्यूमिनेटर में जाएगा तो एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स आपका बनेगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, डी एक्स का कॉन्स्टेंट नंबर इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा फाइव एक्स माइनस टाइम फोर एक्स की पावर माइनस टू का आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वाला फॉर्मूला लगा आपका लगेगा यहाँ पर, तो आपका बनेगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन आपका आएगा माइनस वन, साथ में आएगा प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस और एक्स का इन्वर्स हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा। ट्वेल्थ देखो क्या आपका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अगेन हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं इसको, क्या बनेगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। सेपरेट करोगे तो क्या आएगा आपका अंडर रूट एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस थ्री आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर से रहेगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स को हम न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या बनेगा एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स प्लस फोर आपका कॉन्स्टेंट है, अंडर रूट एक्स को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो एक्स की पावर माइनस हाफ आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो थ्री माइनस वन अपॉन टू ये आ जाएगा आपका फाइव अपॉन टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, तो वन माइनस वन अपॉन टू ये आएगा आपका एक्स की पावर हाफ डी एक्स प्लस फोर इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ, तो इसको अभी हम करते हैं बाद में एक साथ ही हम करेंगे इसको। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव अपॉन टू डी एक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन आपका लगेगा, फाइव अपॉन टू प्लस वन क्या होता है आपका सेवन अपॉन टू, तो ये आपका आएगा एक्स की पावर सेवन अपॉन टू इंटू नीचे पे आपका सेवन अपॉन टू आएगा तो सेवन अपॉन टू, टू को हम न्यूमरेटर में डालेंगे तो आपका आएगा टू अपॉन सेवन प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, नीचे भी थ्री अपॉन टू आएगा तो टू आपका न्यूमरेटर पे जाएगा और आपका थ्री डिनोमिनेटर भी रहेगा, ठीक है। प्लस फोर एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो वन माइनस वन अपॉन टू होता है आपका एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ अपॉन नीचे भी आपका हाफ रहेगा तो ऊपर आ जाएगा आपका टू, ठीक है। नीचे भी आपका हाफ होगा तो नीचे ऊपर आ जाएगा आपका टू, साथ में प्लस सी, तो ये बना आपका टू एक्स की पावर सेवन अपॉन टू अपॉन सेवन, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, टू इंटू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, एट इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस सी आपका यहाँ पर आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या आपका थर्टींथ वाला इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। तो यह हम क्या कर सकते हैं, आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स बनेगा, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। अब सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन वन और डी एक्स, ठीक है। अलग अलग हमने सेपरेट किया, पहले इसको अलग लिखा फिर इसको अलग लिखा तो आप कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपका खाली वन, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, वन का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका खाली आएगा एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और साथ में आपका आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फोर्टीन क्या है आपका, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स आपका बनेगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन टू और टू अपॉन थ्री, कैसे आया, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला हमारा फॉर्मूला है, तो एक्स की पावर हाफ प्लस वन दैट इज थ्री अपॉन टू और एन प्लस वन दैट इज हाफ प्लस वन थ्री अपॉन टू, तो टू आपका चला गया न्यूमरेटर पे, तभी आपका बना है टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो एक्स इंटू अंडर रूट एक्स कहने का मतलब एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ, ठीक है, तो ये भी आपका वन है, तो वन प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, तो इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, एक्स की पावर थ्री अपॉन टू डी एक्स का, ठीक है, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, थ्री अपॉन टू आपका एन है, तो थ्री अपॉन टू प्लस वन दैट इज एक्स की पावर फाइव अपॉन टू, तो नीचे भी क्या आएगा आपका, थ्री अपॉन टू प्लस वन फाइव अपॉन टू, तो टू आपका जाएगा न्यूमिरेटर पे, तो बनेगा आपका टू अपॉन फाइव प्लस सी, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिफ्टीन देखो क्या है आपका, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्या आएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं हाफ, तो हाफ प्लस आपका टू होगा यहाँ पर, ठीक है, तो बनेगा आपका थ्री एक्स की पावर फाइव अपॉन टू प्लस वन प्लस एक्स की पावर हाफ आपका बनेगा यहाँ पर टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, ठीक है, एक्स को हम हाफ लिखेंगे तो हाफ प्लस वन थ्री अपॉन टू प्लस यहाँ लिखेंगे एक्स को एक्स की पावर हाफ डी एक्स, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, थ्री एक्स की पावर फाइव अपॉन टू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पर सेवन अपॉन टू, थ्री एक्स की पावर सेवन अपॉन टू, सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगा है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन से, ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक्स की पावर फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव अपॉन टू प्लस वन, तो ये आपका बना है यहाँ पर एक्स की पावर सेवन अपॉन टू और यहाँ भी आपका सेवन अपॉन टू बना है, तो टू आपका न्यूमिनेटर पर जाएगा, तो टू इंटू एक्स की पावर सेवन अपॉन टू अपॉन सेवन, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पर, सेवन अपॉन टू आएगा, तो टू आपका न्यूमिनेटर पर जाएगा, तो इंटू टू आपका ऐसा हो जाएगा प्लस टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन दैट इज एक्स की पावर फाइव अपॉन टू, तो नीचे भी क्या आएगा आपका, एन प्लस वन दैट इज थ्री अपॉन टू प्लस वन, तो आपका आएगा फाइव अपॉन टू, तो टू आपका जाएगा न्यूमिनेटर पे, ठीक है, प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर हाफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, थ्री कॉन्स्टेंट है तो भारी रहेगा, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन एन प्लस वन दैट इज हाफ प्लस वन, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, ठीक है, एक्स की पावर हाफ है ना आपका, तो एक्स की पावर एन प्लस वन होगा आपका इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा, एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो क्या आएगा, एक्स की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री अपॉन टू, तो टू आपका चलेगा न्यूमिनेटर पे, तो बन जाएगा टू एक्स थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, ठीक है, तो आपका आएगा यहाँ पर टू एक्स थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, टू को हमने भेज दिया न्यूमिनेटर पे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ढंग से, सिक्स इंटू एक्स की पावर सेवन अपॉन टू अपॉन सेवन, फोर एक्स की पावर फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव, प्लस थ्री से थ्री कैंसिल होगा तो बनेगा टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू, और साथ में आएगा आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपका फिफ्टींथ वाले का आंसर होगा, ठीक है। सिक्सटींथ है हमारे पास, इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस टाइम थ्री कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, तो इसको हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन टू एक्स डी एक्स माइनस टाइम थ्री इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, तो अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया, तो टू आपका बाहर चले जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, पता है हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो वही हमें यूज़ करा है। माइनस टाइम थ्री इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये आपका इसका आंसर बनेगा, टू से टू आपका यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सेवनटीन से देखते हैं क्या आपके पास, इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम थ्री साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो अगेन हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो टू एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टाइम थ्री इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस फाइव इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स,
ठीक है, तो टू चला जाएगा आपका बाहर। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या रहेगा, एक्स की पावर क्यूब थ्री अपॉन थ्री, ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, तो टू प्लस वन थ्री अपॉन टू प्लस वन थ्री, माइनस टाइम थ्री, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है, माइनस टाइम कॉस ऑफ एक्स, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स प्लस फाइव, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो एक्स की पावर हाफ, कह रहे हैं एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, नीचे भी क्या आएगा हाफ प्लस वन तो थ्री बाई टू, तो एक्स की पावर थ्री बाई टू, नीचे भी थ्री बाई टू, टू चले जाएगा ऊपर तो आएगा टू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, तो ये आएगा आपका इंटू टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। 18 देखते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, sec x को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें दोनों पे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है, अब अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan ऑफ x, इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स होता है आपके पास sec x और साथ में कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन sec ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास 19th, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x dx पूछा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर, हमें पता है कि cos x इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1 अपॉन sec x, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं sec x इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x, और हमारे पास होता है दूसरा sin ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x, ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो जो आपके पास sec स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और जो आपके पास 1 अपॉन cos x स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं sin x, तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या करा, साइक स्क्वायर एक्स को हमने लिखा वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस एक्स होता है, और सिमिलरली सेक्स स्क्वायर एक्स के किसके इक्वल होगा, वन अपॉन कॉस एक्स के, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, सेक्स स्क्वायर एक्स जगह वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, और इसकी जगह हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा आपका टेन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है टेन ऑफ एक्स, वन डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा, वन आपका कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स, तो ये आप माइनस का साइन पहले से, तो माइनस एक्स प्लस सी, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी आंसर होगा। 20 देखो क्या है, इंटीग्रेशन 2 माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टाइम 3 इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टाइम 3, अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स को, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक तो आपका बन गया टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स बन गया एक आपका सेक एक्स, ठीक है, क्या करा कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक आपका बन गया टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स बन गया आपका यहाँ पर सेक एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक ऑफ एक्स, तो थ्री टाइम्स सेक ऑफ एक्स डी एक्स आपका आंसर होगा, ठीक है, साथ में प्लस सी आएगा, डीएक्स नहीं प्लस सी आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 वाला, क्या आपके पास इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम, पहले हम अंडर रूट एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, प्लस टाइम इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दिया हमने डी एक्स को दोनों से, तो ये हमें मिला, तो अंडर रूट एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स की पावर हाफ डी एक्स, ठीक है, तो एक्स की पावर हाफ डी एक्स है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स का आपका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन प्लस वन मतलब हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो प्लस यहाँ चला जाएगा आपका एक्स न्यूमिरेटर पे, तो एक्स की पावर माइनस हाफ
dx, ये हो गया। तो अब क्या आएगा, यहाँ देखो क्या आएगा, x की पावर 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस हाफ, तो इसका भी सेम होगा, x की पावर n, dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ठीक है, तो साथ में प्लस सी आएगा, तो ये आएगा आपका x की पावर 3/2, 2 ऊपर चल जाएगा तो आएगा आपका 2/3 प्लस 1 माइनस हाफ, कितना होगा आपके पास हाफ, तो x की पावर हाफ, नीचे बनेगा 1 माइनस हाफ, कितना होगा हाफ, तो ये आएगा आपका 2/1 प्लस सी, ठीक है, तो ये आपको बनेगा यहाँ पर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 वाला क्या आपके पास, इफ डी अपॉन डी एक्स f ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴ सच दैट f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 देन f ऑफ x इज, चार ऑप्शन दिए होंगे आपको, उनमें से आपका एक सही है, इसमें भी आपका चार ऑप्शन होगा उसमें से एक आपका सही होगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है शायद 21st में, और 22nd में आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, तो देखते कैसे होगा, कह दिया d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴, ठीक है, तो दिया क्या है वो देखो, सबसे पहले हमें बोला है कि जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन जो दे रखा है वो आपका ये दे रखा है, ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका ये दे रखा है, तो ये जो आपका है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको हम लिख सकते हैं एफ डेस एक्स करके भी, ठीक है, जो आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रखा है उसको हम एफ डेस एक्स करके भी लिख सकते हैं, और एक चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा होगा एफ डेस एक्स, तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है फंक्शन ही, ठीक है, तो मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हमें फंक्शन ही मिलता है, ठीक है, तो मान लो अगर हमारे पास है साइन एक्स, साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा, एफ डेस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है, अब इस जो आपका ये डिफरेंशिएशन आया है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब एफ डेस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास साइन एक्स, ठीक है, तो मतलब ये क्या क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन का आपका इंटीग्रेशन होता है किसी फंक्शन का वो आपका फंक्शन ही होता है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया आपका d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴, तो अगर हम यहाँ क्या करें इसको हम ढंग से लिख लेते एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴, ये आपको दिया है, तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट यहाँ पर करें, ठीक है, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एफ डेस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x⁴ डी एक्स, ठीक है, तो एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फंक्शन ही होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स ही आएगा आपका, ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्या होगा 4x³ डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 4, तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n प्लस 1 मतलब 3+1 4, नीचे भी 3+1 4, माइनस टाइम 3, इंटीग्रेशन x की पावर 4 को ऊपर भेज दो तो x की पावर -4 dx हो गया, ठीक है, फिर क्या आया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 बचा, माइनस टाइम 3, अब इंटीग्रेशन x की पावर -4 dx करना है, ठीक है, तो क्या आएगा x की पावर -4+1 दैट इज -3, नीचे भी -4+1 दैट इज -3, ठीक है, तो क्या बन गया आपका, देखो f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस और 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया और x की पावर -3 को हम लिख रहे हैं 1/x³, तो ये आपके यहाँ से आ गया और साथ में आया आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, ठीक है, अब क्या दिया है हमें, हमें बोला है कि आपका जो f ऑफ 2 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, एफ ऑफ 2 0 के इक्वल है, कहने का मतलब अगर हमने फंक्शन पे, ठीक है, x की जगह हमने 2 डाला तो आपका 0 के इक्वल आया है, ठीक है, इसका मतलब आपका ये है कि अगर हमने फंक्शन में x की जगह 2 पुट करा तो आपका 0 आ रखा है, तो देखो हमें दे रखा है एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 2 को अगर हम यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का होल क्यूब प्लस सी, और f ऑफ 2 की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के बता रही है, ऊपर हमें पता है f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या आएगा आपके यहाँ से 2 की पावर 4 क्या होगा 16 प्लस 1/2 का क्यूब 8 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो
तो क्या आ गया, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा आपका, 8, 16 इंटू 8 कितना होगा आपके पास, 128, 128 प्लस 1 प्लस सी, ये आएगा ठीक है इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आपके पास यहाँ आ गई, और साथ में आपका यहाँ पर आएगा 8C, ठीक है। तो क्या आएगा, 129 प्लस 8C अपॉन 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या आ गया आपका यहाँ से, ये तो यहाँ चले जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो ये बन गया आपका 129 प्लस 8C इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया आपकी C की वैल्यू, C इक्वल्स टू माइनस 129 अपॉन 8, दैट मीन्स C की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से माइनस 129 अपॉन 8। अब इस C की वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ पर, अपनी मेन वाले जहाँ हमारा इंटीग्रेशन आया था, दैट मीन्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ अगर पुट करेंगे तब हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था, हमसे एफ ऑफ एक्स पूछा गया था। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, ये था हमारा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ हमारी सी की वैल्यू निकल गई माइनस 121 अपॉन 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस टाइम 129 अपॉन 8। तो ये आंसर होगा आपका 22 वाले का, ठीक है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।